प्रभु के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम बात करेंगे जेम्स रेनविक के जीवन के बारे में। जन्म 15 फरवरी 1662, मृत्यु 17 फरवरी 1688, मूल स्थान मोनीहाइब स्कॉटलैंड, दर्शन स्कॉटलैंड। आइए ध्यान देते हैं। जेम्स रेनविक एक स्कॉटिश प्रेसिप्टेरियन पादरी थी जो कि परमेश्वर के वचन के प्रति संपूर्ण आज्ञाकारिता के लिए मसीह के लिए शहीद हो गए। एक धर्मी परिवार में जन्मे रेनविक का बहुत कम उम्र में ही चर्च की गतिविधियों के प्रति एक मजबूत संबंध था। 13 साल की उम्र में वह एडिनबर्ग विश्वविद्यालय गए जहाँ उन्होंने धर्म और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। वहां वे रिचर्ड कैमरून की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुए जिन्हें स्कॉटिश चर्च पर राजा चार्ल्स द्वितीय के अधिकार का विरोध करने के लिए शहीद होना पड़ा। बाद में रेनविक धार्मिक प्रशिक्षण के लिए नीदरलैंड गए जहां उन्हें एक चर्च पादरी के रूप में ठहराया गया था। सन 1683 में रेनविक स्कॉटिश में प्रभु की सेवा करने के ऐसे दौरे में लौटे जब चर्च को नियंत्रित करने के लिए राजा के प्रयासों को खारिज करने पर कई प्रेसिप्टेरियन मारे जा रहे थे। सेविकाई के अपने पहले वर्ष में उन्होंने 500 से अधिक लोगों को मसीह के ज्ञान में पहुंचाया। अगले 5 वर्षों में उन्होंने पूरे स्कॉटलैंड की यात्रा की और जो कोई भी सुनने के लिए तैयार था उन्हें बाइबल की सच्चाई का प्रचार किया। नतीजन रेनविक को एक विद्रोही घोषित किया गया और उन्हें पकड़ने वाले अधिकारियों ने लगातार पीछा किया। गिरफ्तार होने के जोखिम के बावजूद उन्होंने प्रचार करना जारी रखा। जब कभी वे प्रचार करते थे तो हमेशा एक घोड़ा तैयार रहता था ताकि वे तेजी से पलायन कर सके। मौत के साथ कई करीबी मुठभेड़ से बचने के बाद रेनविक को अतः सन 1888 की शुरुआत में पकड़ लिया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्हें देशद्रोह और ईश निंदा के लिए मौत की सजा सुनाई गई। जब कई लोगों ने उन्हें चर्च पर राजा के कम कुछ अधिकार को स्वीकार करने के लिए राजी किया तो उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि नहीं, मैं केवल यह वह अधिकार के अधीन रहने के लिए तैयार हूँ जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। एक मामूली शरीर आकर वाले युवा रेनविक को हिम्मत के साथ फांसी की सजा के लिए तैयार होते हुए देखकर सेना के कप्तान ने कहा, यह रेनविक कैसा लड़का है जिससे सारा देश इतना परेशान हो गया है। क्या आप जानते हैं कि रेनविक जब फांसी पर चढ़ा था तब उनकी उम्र कितनी थी? 26। रेनविक आज भी अपने धर्मोपदेश और पत्रों के माध्यम से जो अब ट्रैक्ट और परफ्लेक्ट के रूप में प्रकाशित हुए हैं हमें प्रेरित करना जारी रखता है। प्रिय, क्या आपका यौवन प्रभु के एक योग्य उपयोग है? हे प्रभु, आपके लिए मेरे यौवन का सदुपयोग करने में मेरी सहायता करें। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।